कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान का अध्याय 1 जो है, अध्याय 1 हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए अध्याय 1 हमारा है हमारा समाज विविधता से भरा, यही वाला है। इसके जो पार्ट 2 वीडियो है, इसके पहले वाले वीडियो पार्ट 2 वीडियो था जिसमें आप लोग ने यहाँ तक आपको मैंने पढ़ा दिया था आर्थिक विविधता तक, ठीक है। और उसके भी पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में मैंने आपको पढ़ा दिया, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो यदि आपने नहीं देखा तो प्लीज पहले आप उसे देखिए, फिर यहाँ पर आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए ये वाला वीडियो पार्ट 3 है जिसमें मैं आपको विविधता में एकता के बारे में पढ़ाऊंगा, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए विविधता हमारे देश की पहचान है, विविधता हमारे देश की क्या है, पहचान है। यहाँ की एकता देश की सबसे बड़ी ताकत एवं विशेषता है, जो भारत की जो एकता जो है वे देश की सबसे बड़ी ताकत और विशेषता है, ठीक है। आजादी की लड़ाई ने हमें एक सूत्र में बांधने का काम किया है, आजादी की जो लड़ाई जो है हमें एक सूत्र में बांधने का काम किया है, ठीक है। उस लड़ाई में सभी धर्म एवं जाति के लोग ने हिस्सा लिया है, जो आजादी की जो लड़ाई जो थे हुए थे, ठीक है ना, जो हम लोग आजादी की जो लड़ाई लड़े थे, तो हमें एक सूत्र में बांधने का काम किया है। चलिए यहाँ पर देखिए, उस लड़ाई में सभी धर्म एवं जाति के लोग ने हिस्सा लिया था, सभी धर्मों के लोग हमारे जो देश जो है उसे आजाद करने में सहयोग योगदान दिए थे, पूरे अपना योगदान दिए थे। उस लड़ाई में सभी धर्म एवं जाति के लोग ने हिस्सा लिया था। हम भले ही विभिन्न धर्म जाति या क्षेत्र के हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्या हैं, भारतीय हैं। बहुत बड़ी बात यहाँ पर कहा गया है कि हम भले ही विभिन्न धर्म जाति या क्षेत्र के हो, लेकिन सबसे पहले हम क्या हैं, एक भारतीय हैं। भारतीयता का यह भाव ही हमारा एकता का मूल मंत्र है। देखिए एकता का मूल जो मूल मंत्र क्या है, तो भारतीयता का यह जो भाव जो है कि हम लोग सबको एक साथ हैं, हम लोग सबको एक साथ हैं, ठीक है। विभिन्नता में भी एकता भारत की क्या है, विशेषता है। तो यहाँ पर देखिए भारतीयता का यह जो भाव जो है यही हमारा क्या है, एकता का क्या है, मूल मंत्र है। चलिए उसके बाद हम लोग इधर देखते हैं, चलिए इधर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए एक ही गांव में विभिन्न धर्मों एवं जातियों के लोग रहते हैं, एक ही गांव में विभिन्न धर्मों एवं जातियों के लोग रहते हैं, वे एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित होते हैं। यह बात सही कहा गया है कि वे एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित होते हैं, मिलजुल कर समस्याओं का संयुक्त रूप से सामना करते हैं और समाधान तलाशते हैं, ठीक है। मतलब सभी धर्म के लोग यहाँ पर, हम लोग एक ही गांव में सभी धर्म के लोग क्या करते हैं, मिलजुल कर जो कोई समस्या है उसका समाधान करते हैं, और उसका समाधान के लिए हम लोग क्या चाहिए उसे हम लोग तलाशते हैं, ठीक है, समाधान तलाशते हैं उसका। भाषा धर्म जाति आदि की विविधता के बावजूद मानवता का रिश्ता उन्हें आपस में जोड़े रखता है। देखिए यहाँ पर भाषा धर्म और जाति आदि की यहाँ पर विविधता है, उनके बावजूद भी मानवता का रिश्ता उन्हें आपस में क्या करते हैं, जोड़ कर रखते हैं। हमारे देश में सांप्रदायिक झगड़े भी जन्म लेते हैं। देखिए सांप्रदायिक झगड़े भी हमारे क्या होते हैं, जन्म लेते हैं सांप्रदायिक झगड़े। कभी इन झगड़ों ने हिंसात्मक टकराव का रूप धारण कर लिया है। देखिए यहाँ पर ध्यान समझिए कि हमारे देश में सांप्रदायिक झगड़े भी जन्म लेते रहते हैं। कभी इन झगड़ों ने हिंसात्मक टकराव का रूप भी धारण कर लिया है, लेकिन आपसी तालमेल और एक दूसरे पर निर्भरता के कारण झगड़ों ने कभी स्थायी वैमनस्य का रूप नहीं लिया है। देखिए और समाज कभी विभाजित नहीं हुआ है। बहुत बड़ी बात हमारे भारत के लिए है कि हमारे देश में सांप्रदायिक झगड़े भी जन्म लेते हैं, लेकिन इसी झगड़ों ने कभी हिंसात्मक टकराव का भी रूप धारण कर लिया है, लेकिन जो आपसी जो तेल आपसी जो तालमेल जो है और एक दूसरे पर जो निर्भरता के कारण झगड़ों ने कभी भी स्थायी वैमनस्य का रूप नहीं लिया है, और समाज हमारा कभी भी क्या हुआ है, अलग नहीं हुआ है, समाज कभी भी विभाजित नहीं हुआ है। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, अमन शांति हमारे देश की बड़ी ताकत है। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अमन शांति हमारे देश की क्या है, एक बड़ी ताकत है जो इसे विशिष्टता प्रदान करती है। संसार में ऐसे समाज बहुत कम मिलते हैं जहां विभिन्न धर्म एवं जाति के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हो। खुद को उन्नत एवं सभ्य समझने वाले यूरोपी, देखिए यहां पर ध्यान समझिए, खुद को उन्नत एवं सभ्य समझते हैं यूरोपी देशों में सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द का उदाहरण विरल ही मिलता है। देखिए यानी कि हमारे भारत में बहुत ही ताकत है, हमारे जो अमन शांति वाला जो देश जो है
देखिए यहाँ पर बहुत ही ताकत है यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन जो हम लोग यूरोपियों की बात करें, जो कि क्या करते हैं, उन्नत एवं सभ्य समझते हैं उन्हें यूरोपीय देश, ठीक है, यूरोपीय देश। सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द का एक उदाहरण विरल ही मिलता है। मतलब वहां पर एक उदाहरण देखें हम लोग तो उतना ताकत नहीं है, विरल ही मिलेगा, हर समय आपको विरल मिलेगा यूरोपीय देश में देखें। लेकिन हमारे भारत में हमेशा हमारी एकता, हमारे जो अमन शांति जो है, ये भारत को एक विशिष्ट गुण बनाता है, विशिष्ट विशेषता देता है हमारे भारत को, ठीक है ना। तो ये कहता है, लेकिन यूरोपियों में जो वे जो सभ्य मानते हैं, उन्नत मानते हैं, लेकिन वहां पर क्या है, विरल ही मिलता है जो सांप्रदायिक सौहार्द का उदाहरण, हमेशा वहां पर विरल ही मिलता है। धार्मिक एवं जातीय वैमनस्यता की आग में जल रहे देश प्रेम एवं शांति की तलाश में है। देखिए यहां पर धार्मिक एवं जातीय वैमनस्यता की आग में जल रहे देश प्रेम एवं शांति की तलाश में है। प्रेम, भाईचारा, शांति एवं अहिंसा जैसे मूल्यों को आज विश्व के प्राय सभी देश अपनाने के लिए लालायित है। देखिए यहां पर प्रेम, भाईचारा, शांति एवं अहिंसा जैसे मूल्यों को आज विश्व के प्राय सभी देश अपनाने के लिए ललायित है, जबकि भारत इन मूल्यों का प्राचीन काल से ही पोषण कर रहा है। समझिए यहाँ पर, जबकि भारत इन मूल्यों का जो है प्राचीन काल से ही पोषण कर रहा है, यहाँ पर सभी को मिलजुल कर रहते हैं, सभी भाईचारा है, शांति है, अहिंसा है, ठीक है ना। तो जिसके कारण यहाँ पर क्या है, भारत को यह पहले से ही मिला है, प्राचीन काल से ही इसका पोषण कर रहा है, लेकिन बहुत सारे देश इनको पाने के लिए ललायित हैं, ठीक है। देखिए, अतः ऐसी स्थिति में भारत विश्व का नेतृत्व करने में समक्ष है। देखिए, अतः ऐसी स्थिति में भारत विश्व का नेतृत्व करने में समक्ष है। हमारे देश का संविधान सभी नागरिकों के बीच न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की बुनियादी पर आधारित है। देखिए यहाँ पर, हमारे देश का संविधान सभी नागरिकों के बीच न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की बुनियादी पर आधारित है। इन मानव मूल्यों को संविधान की प्रस्तावना, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं प्रीम्बल, ठीक है ना, में शामिल किया गया है। संपूर्ण भारत एक तिरंगे के नीचे है और स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय त्यौहार हमारी एकता को मजबूती प्रदान करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय त्यौहार कौन कौन से हो जो कि पूरे राष्ट्र में मनाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा हो गया स्वतंत्र दिवस हो गया, गणतंत्र दिवस हो गया, तो ये जो है राष्ट्रीय त्यौहार हमारी एकता को मजबूती प्रदान करता है। राष्ट्रीय गान क्या है, जन गण मन का गायन सभी भारतीय एक साथ करते हैं, ठीक है, आपको तो पता है। चलिए इतना और तक आपको मैंने पढ़ा दिया। अब यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर है मिल के चलो, ठीक है, बहुत ही अच्छा एक यहाँ पर कविता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर, मिल के चलो ये वक्त की आवाज है, मिल के चलो ये जिंदगी का राज है, मिल के चलो, मिल के चलो, मिल के चलो, मिल के चलो। आज दिल की रंजिशें मिटा के आओ, आज देश भाव सब भुला के आओ। आजादी से है प्यार, जिन्हें देश से है प्रेम, कदम कदम से दिल मिला के आओ। ये भूख क्यों है, जुल्म का है जोर क्यों, ये जंग जंग का शोर क्यों। हर एक नजर बुझी बुझी, हर एक दिल उदास, बहुत फरेब खाएं अब फरेब और क्यों। मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो। तो ये जो है ये प्रेम धवन ने लिखा था, ठीक है ना, जो कि इप्टा की पुस्तिका विरासत से सभार, ठीक है, यहां से लिया गया है, प्रेम धवन ने इन्हें लिखा है, ठीक है। अब हम लोग इधर पढ़ेंगे गांव की कहानी, ठीक है ना, गांव की कहानी पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है। देखिए, गांव की कहानी, झारखंड के गांव में आपसी भाईचारे का बढ़िया नमूना देखने को मिलता है। झारखंड के गांव में आपसी भाईचारे का बढ़िया नमूना जो है वे देखने को मिलता है। प्रायः हर गांव में कई जाति और धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, सभी गांव में, ठीक है ना, कई धर्मों के लोग प्रायः हर गांव में हम लोग देखें तो सभी धर्मों के जो लोग जो हैं, जाति जो हैं, वे क्या करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ के गांव में मनाए जाने वाले रामनवमी एवं मुहर्रम का पर्व सांप्रदायिक सौहार्द का अनुपम उदाहरण है। रामनवमी का जुलूस तथा मुहर्रम का ताजिया पूरे गांव में घुमाया जाता है। गांव के सभी लोगों की सहभागिता इनमें होती है। हजारों की संख्या में उपस्थित जन सैलाब में कोई अंतर नहीं रह जाता। इन दोनों अवसरों पर सभी भेदभाव भुला दिए जाते हैं और पूरे गांव एक ही रंग में रंग जाता है जैसे देखिए ये वाला क्या है,
देखिए रामनवमी जुलूस का दृश्य, ये हमारा क्या है, रामनवमी जुलूस का दृश्य है, ये क्या है, रामनवमी जुलूस का दृश्य। उसके बाद इधर देखिए ये वाला, ठीक है, देखिए मुहर्रम में ताजिया का दृश्य, ये क्या है, मुहर्रम है उसमें ताजिया का दृश्य है। चलिए उसके बाद इधर हम लोग पढ़ते हैं, झारखंड के प्रमुख मेले विविधता में एकता की अनूठी झलक, ठीक है, देखिए श्रावणी मेला जो कि कहाँ लगते हैं, देवघर में लगते हैं, ठीक है, हिजरा मेला जो कि दुमका में लगते हैं, मुड़वा मेला जो कि मुड़वा रांची में है, ठीक है, वहां लगते हैं, रथ मेला जो कि जगन्नाथपुर जो कि रांची में है, वहां पर बड़ी बड़ी धूमधाम से रथ मेला मनाया जाता है, बहुत ही बड़ी संख्या में, ठीक है ना, रथ मेला कहाँ लगता है, जगन्नाथपुर रांची में, रामरेखा धाम मेला जो कि सिमडेगा में लगते हैं, ठीक है, अनूठा झलक वहां पर दिखाई मिलता है वहां पर, ठीक है ना, मेले लगते हैं। उसके बाद सूर्यकुंड मेला जो कि हजारीबाग में लगता है, और उर्स मेला जो कि रांची में लगते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे जो विविधता में एकता की अनूठी झलक, झारखंड के प्रमुख मेले थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक गतिविधि है, चलिए गतिविधि को पढ़ते हैं, पता लगाइए इनके अलावा और कौन कौन से मेले आपके आसपास लगते हैं, ठीक है, आपको पता लगाना है कि इनके अलावा और कौन कौन से मेले हैं जो कि आपके आसपास लगते हैं, ठीक है, तो इनका एक सूची बना देना है आपको, ठीक है, कौन कौन से मेले आपके आसपास लगते हैं, ठीक है, आपके आसपास बहुत सारे मेले होंगे, वे लगते हैं तो आपको उनका नाम लिखना है, ठीक है ना, तो ये सब आपको अपने से करना है, गतिविधि है, ये क्वेश्चन लिखना है, उसके आंसर नीचे 10-15 को आपके कौन कौन से मेले लगते हैं आपके आसपास लिख देना है, ठीक है, जितना होगा उतना लिख देना है। इसके बाद वाले जो वीडियो है उसमें मैं आपको प्रश्न उत्तर इसके में करवाऊंगा, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ अब पूरे अध्याय खत्म हो गया, ठीक है, इसके अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर को भी करवाने वाले हैं, ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।